नुवान प्रेजेंट द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय फिलोपिया। सूरत में चलेगा बल्ला, मचेगा शोर, क्योंकि अब जल्द ही शुरू होगा T20 का दौर। जी हाँ, 5 T20 खेलेगी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ, जो कि खेला जाएगा एक नए इंटरनेशनल वेन्यू पे। अभी तक हमने देखा था कि सूरत में डोमेस्टिक मैचेस होते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसको इंटरनेशनल वेन्यू का करार दिया गया है और वुमेंस के पांचों के पांचों मैच खेले जाएंगे सूरत में। और ना केवल सूरत में पहली बार इंटरनेशनल गेम होगा, बल्कि ये सारे T20 मैचेस हैं जो वो होंगे अंडर लाइट्स, यानी कि डे एंड नाइट। अगर हेड टू हेड की बात करें तो अभी तक 6 बार इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, जिसमें से 4 बार विजय प्राप्त की है टीम इंडिया ने और 1 बार साउथ अफ्रीका ने, जबकि 1 मैच रहा था टाई। तो आंकड़े बयां करते हैं कि फेवरेट्स जरूर हैं टीम इंडिया, लेकिन क्रिकेट की यही खासियत है कि हर दिन आंकड़े बदलते हैं, हर दिन रिकॉर्ड बदलते हैं। किस तरह से अंडर लाइट्स परफॉर्म करती है, डे नाइट मैच परफॉर्म करती है टीम इंडिया, उन पर काफ़ी निर्भर करता है। इंडियन बैटिंग की हम बात करें तो काफ़ी डीप बैटिंग लाइनअप है। शुरुआत हम करेंगे ओपनिंग से। मुझे ऐसा लगता है कि शेफाली वर्मा को मौका दिया जाएगा ओपनिंग करने का स्मृति मंदाना के साथ, जो कि सही मूव भी होगा, क्योंकि यंग लड़की है, टैलेंट है उनके पास, लॉफ्टेड शॉट बढ़िया खेलती हैं और पावर प्ले में उनका यूज़ अच्छा हो सकता है। और उसके साथ आपके साथ है स्मृति मंदाना, जो कि एक्सपीरियंस प्रो है, उनको पता है कब रुकना है और कब मारना है। उसके बाद आता है एक बड़ा नाम, जेमिमा रॉड्रिक्स। नंबर 3 हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी होता है आपकी टीम का, जो कि अगर जल्दी विकेट गिरे तो संभालता भी है, और अगर वक्त आने पे बड़ा शॉट्स खेलना पड़े तो उनके पास काबिलियत है। हाल ही में किया लीग में उन्होंने शतक जड़ा था T20 में, तो वो रहेंगे एक इम्पॉर्टेंट कड़ी। और उसके बाद एक आता है बड़ा नाम, हरमनप्रीत कौर। जी हाँ, मैं कैप्टन हैरी की बात कर रही हूँ, जो कि शेर है पंजाब का और जो दहाड़ता है ग्राउंड के बाहर नहीं, ग्राउंड पे ही। तो उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बतौर कप्तान भी और बतौर खिलाड़ी भी। मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इंडिया का, क्योंकि हरमनप्रीत कौर है। उसके बाद आती है विदा कृष्णमूर्ति, बड़े शॉट्स खेलती हैं, T20 स्पेशलिस्ट मैं कहूँगी उनको है, क्योंकि जब उनका बल्ला चलता है ना तो बहुत तेज़ चलता है, और यही T20 का जो नीड है, जो ज़रूरत है T20 में, वो उसी की है कि आपके पास पावर हिटर्स हों, आप तेज खेल सकते हो, आप बड़े शॉट्स खेल सकते हो। तो बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं मैं कहूँगी इस टाइम सेटल है टीम इंडिया की। कहते हैं अगर किसी भी कप्तान के पास 3-4 ऑलराउंडर अगर होना, तो कहीं ना कहीं उनका जो टेंशन है थोड़ा कम हो जाता है, कि नीचे जाके कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और उसके बाद 2-3 ओवर भी डाल सकते हैं। तो ऐसे कई विकल्प हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर के पास। स्पिनर्स ऑलराउंडर की बात करूँ तो राधा यादव है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बल्लेबाजी भी बढ़िया करती हैं। अनुजा पाटिल है, जिनको T20 स्पेशलिस्ट कहा जाता है, ऑफ स्पिनर हैं, वो निचले क्रम पर बल्लेबाजी करती हैं। उसके बाद आती है पूजा वस्त्रकर, जो कि है मीडियम पेसर ऑलराउंडर, बैटिंग बहुत बढ़िया करती हैं, और पिछले कुछ समय से इंजरी से जरूर जूझ रही थी, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने पारियां खेली थी ना, बहुत बढ़िया खेली थी, क्योंकि वो ऐसी प्लेयर हैं जो निचले क्रम में जाकर तेज़ गति से रन मार सकती हैं, तो उनका रोल रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद शिखा पांडे, जो कि सीनियर प्रो हैं और मीडियम पेस अटैक जरूर लीड करेंगी, बल्लेबाजी में भी बड़ी शॉट्स खेलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टीम है ना, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सेटल है, बैलेंस्ड है। और स्पिनर में एक और विकल्प है टीम इंडिया के पास, पूनम यादव। जी हाँ, विकेट टेकर पूनम यादव कहने का मन करता है मुझे इनको, क्योंकि ये जब भी आती है ना टीम इंडिया को, अपनी लूप से और गति बिल्कुल नहीं देती हैं, और टप्पा जो है ना इनका, वो बहुत बढ़िया है, वहाँ से हर बार टीम इंडिया को ये विकेट चटका के देती हैं। तो कहीं ना कहीं गो टू बॉलर हो सकती हैं हरमनप्रीत कौर की। तो ये जो साइड है ये बैलेंस्ड है, और ये साइड जो है ना मुझे इस टाइम फेवरेट नज़र आ रही है। साउथ अफ्रीका टीम की अगर बात करें तो थोड़ा इंजरी से जूझ रही है, कप्तान डैनी जो हैं वो इंजरी के कारण बाहर हैं। क्लोई चूँकि हार्ड हिटर है मिडिल ऑर्डर में, उनकी कमी ज़रूर खलती नज़र आएगी साउथ अफ्रीका को, इंजरी के कारण वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं इनके पास जो कि अपना रंग जमा सकते हैं, और अगर वो चले तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो टेंशन दे सकते हैं टीम इंडिया को। नीजा ली, जो कि T20 स्पेशलिस्ट है, ओपनिंग करेंगी साउथ अफ्रीका से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मीडियम पेस अटैक लीड करेंगे इस्माइल, जो कि सीनियर प्रो है साउथ अफ्रीका की, और गति है इनके पास, तो उनका जो रोल है बॉलिंग डिपार्टमेंट में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। काप, जो कि एक बड़ा नाम है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स हैं, उनको रेस्ट दिया गया T20 के लिए। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक डेंट डालेगा, लेकिन वनडे में ज़रूर उनको शामिल किया गया टीम में। तो ये जो टीम है ना, एक्सपीरियंस और यूथ का कॉम्बिनेशन है, और कहीं ना कहीं फाइट देने की क्षमता रखता है।